ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल मैं हूँ अभी गांव में और आज घूमने जा रहे हैं फिर। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां आप देखेंगे केवल मछलियां ही मछलियां हैं। तो अभी जा रहे हैं, यहां से दूर है लमसम 25 किलोमीटर दूर, तो जाएंगे आज घूमने के लिए, फिर आपको दिखाएंगे कि ढेर सारी मछलियां और कई वैरायटियों में। तो चलते हैं फिर, फिलहाल निकलते हैं। तो 75वें स्वतंत्रता अमृत महोत्सव का जो ये रैली वगैरह चल रही है, तो इस दौरान गांव में भी बहुत ज़्यादा रैलियाँ, स्कूल के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनके सारे बच्चों को ला के और गांव-गांव घुमाया जा रहा है अपने अपने ग्राम सभा में। तो फिलहाल ये यहाँ पे भी हमने झंडा लगा रखा है घर पे, और फिर दिखाते हैं कि दो झंडे हमने लगा रखा है। गाँव में ऐसा कोई घर बचा नहीं जिस पे आज झंडे आपको ना दिखें। और फिलहाल आप सबसे ऊपरी यहाँ भी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी झंडा लगा है और यहाँ पे भी झंडा लगा है। दो झंडे हमने लगा रखा है कि दो झंडे रहेंगे हमारे अंदर देशभक्ति ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने सोचा कि हमारे पास दो है तो दो ही लगा देते हैं। तो फिलहाल अमृत महोत्सव का हम लोग भी बेसब्री से इंजॉय कर रहे हैं, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप भी करिए, अगर आपके घर पर झंडे हों या ना हों तो मार्केट से ला के आप भी लगाइए। 15 अगस्त आने वाला है, फिलहाल कल है, आप भी अमृत महोत्सव का एंजॉय करिए, 75वें विशाल स्वतंत्रता दिवस का। तो फिलहाल अब निकलते हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं हररैया टोल प्लाज़ा। फिलहाल हम लोग लोकल के हैं तो इसलिए टोल नहीं देना, टू व्हीलर का टोल वैसे भी नहीं लगना है। हम लोगों के लिए स्पेशल रूट खोल के रखा गया, आप आइए, आप जाम में मत फंसिए, आपके लिए सीधा रास्ता है, निकलिए। अब वैसे भी भीड़ बहुत है, ये देखो भाई। एक चीज़ हमने आज देखा है कि लमसम हाईवे पे जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उसमें लमसम 40% गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें तिरंगा लटका हुआ है। तो अच्छा है, देशभक्ति ट्रक ड्राइवरों को भी अंदर है, ट्रक ड्राइवरों के भी अंदर देशभक्ति है यार। तो ये चीज़ें देख के अच्छा लग रहा है फिलहाल। और अभी हम लोगों को थोड़ा सा लंबा चलना है तो फिर चलते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं बाइक की। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बेहरा में, और यहाँ बड़े बड़े चार ऐसे तालाब टाइप की खुदाई हुई है जहाँ केवल मछलियाँ ही मछलियाँ। मैं आपको दिखाता हूँ, एक वो वहाँ पे बड़ा सा खुदाई हुआ है उसमें भी मछलियाँ, एक ये बड़ा तालाब और एक इधर भी और इसके आगे भी एक बड़ा तालाब। तो फिलहाल दोपहर का टाइम था तो भी मछलियाँ अंदर हैं, लेकिन ये भी लगे हुए हैं पानी के लिए, ये पाइप द्वारा। ये भी चल गया उधर, देखो पानी, ये एकदम आप आखिरी में देख सकते हैं फुहारा भी। ये आधुनिक तरीके से यहाँ पे मछलियाँ, लेकिन दोपहर का समय है इसलिए मछलियाँ अंदर ही, पानी के अंदर ही। अभी हल्का ऊपर का जो पानी है वो गर्म है इसलिए अंदर ही, और पानी जब ठंडक होता है तो मछलियाँ बाहर भी आती हैं शाम के टाइम। तो फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पहुँचे ही हैं, तो थोड़ा देर और वेट करेंगे, देखेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी तो फिलहाल देखते हैं। वैसे भाई बहुत ही खूबसूरत जगह है, अब देख सकते हैं कि चारों तरफ एकदम खुला मैदान है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, मौसम भी आप देख सकते हैं ऊपर, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। फिलहाल चारों तरफ से ओपन है तो अच्छा लग रहा है यार। और ये जिस पे मैं खड़ा हूँ ये मकान, ये नीचे पिलर पे बनाए हुए हैं, तालाब के नीचे ये पिलर पे बनाए हुए हैं, नीचे पिलर है, ऊपर ये देख सकते हैं दो रूम बनाए हुए हैं, जो दो रूम में मतलब इसकी निगरानी करने के लिए और मछलियों को चारा देने के लिए तो रहते हैं दो तीन लोग। तो वो लोग अपना पूरा सिस्टम यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये मछलियों का चारा जो मछलियों को खिलाया जाता है यहाँ पे रहते हैं। एक मौर्या जी हैं, वही देखभाल मौर्या जी ही रहते हैं, वही देखते हैं यहाँ का देखभाल पूरा। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे बैठेंगे थोड़ा, अगर
मछलियाँ ऊपर आती हैं तो गाइस आपको दिखाते हैं फिर। तो अभी चल रहे हैं चारों तरफ, देखेंगे चारों जो बड़े बड़े तालाब हैं देखेंगे वो, और फिलहाल देखने के बाद थोड़ा सा मछलियों का चारा डाला जाएगा जिससे वो अभी नीचे हैं तो ऊपर आए। वैसे ये सब जाली जो है, ये जाली है ये यहीं से निकाला जाता है, तगड़ी जाली। ये जाली है भाई, कितनी बड़ी बड़ी जाली है। ये पहला इधर सांप भी है बहुत बड़ा वाला है ये। फिलहाल मछली का तो दर्शन नहीं हुआ, ये सांप का दर्शन हो गया। भाई चलो चलो अब नहीं ऐसे चलो बस। तो भाई सांप देख के फट जाती है यार, अरे क्या पूछे। हम तो संतोष भाई जा रहे थे, हम तो मना किए उधर नहीं जाएंगे भाई, और फिर वापस आ गए। क्या फूल लगा हुआ है ना, तो साफ रहेगा भाई वहीं जाएंगे। ये नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा झाल है तो उस एरिया में जाएंगे, साफ एरिया में जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पे सांप है और मछलियाँ हैं तो हमें नहीं लगता कि बस्ती होंगी। सांप तो भाई मछली खाते हैं ना, सांप खाते हैं कि नहीं खाते? हाँ तो खाते होंगे तब तो भाई बड़ी बढ़िया निकल बड़ी बड़ी मछलियाँ निकल लेते होंगे। तो ये तीसरा तालाब है, ये चौथा तालाब, दो तालाब ये जो बना हुआ उस तरफ है और दो तालाब इस तरफ। ये पंप लगे हुए हैं बड़े बड़े, दाना डालने हैं, बच्चे ला रहे हैं, पानी कम बना है। ये बीच बीच में बड़े बड़े निकल रहे ना। तो अभी फिलहाल मस्त घूम रहे हैं, तो अभी दाना लेके आएंगे डालेंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे अगर आएंगी मछलियाँ तो। टूट ही भाई, वो टूट ही। तो फिलहाल एक मछली हम लोगों ने निकाल लिया भाई। कूदोगे कूदोगे नहीं भाई, निकल गया यार। भाई कितनी मछलियां हैं यार, अरे यार कितनी मछलियां। ये मोटर लगा हुआ है फिलहाल, ऐसे ही पानी चारों में ऐसे फुहारा टाइप का लगा हुआ पाइप जो बोरिंग है, हमेशा जब जब तक लाइट रहती है तब तक चलता ही रहता है। तो चल रहे हैं चारों देखेंगे। तो अभी बज रहे हैं 3:30, अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। चलते हैं यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो निकल रहा हूँ फिर घर की तरफ। यहाँ से जाऊँगा पिट्यूटी फॉर्म है वो भी आज देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मार्केट, बज रहे हैं 4:30, भूख लग गई थी तो कुछ नाश्ता करेंगे यार, तो मोमोज मंगाएंगे उसके बाद फिर बर्गर। ये यार तो देसी बर्गर मिल गया, फिलहाल जो भी है चलो भूख लगी है तो खाते हैं फिर। तो अभी मैं हूँ यहाँ पिट्यूटी फार्म पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि मुर्गे भाई सारे ये 4000 बच्चे पड़े हुए हैं इसमें। चार हजार बच्चों का फार्म है। ऐसे पकड़ के हाथ में कहो तो उठा दे, लेकिन फिलहाल अभी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट ही करने देते हैं। लेकिन अंदर बहुत गर्मी है भाई, इतनी गर्मी है अंदर फिलहाल जिसका जवाब नहीं, लेकिन देखने पर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। 4000 बच्चों का फॉर्म है,
है।